अजीज दोस्तों, मैं मिलने आया था अपने एक दोस्त से, हमारे अदनान भाई हैं, उनसे मिलने के लिए आया था। तो वह चला सरप्राइज पे सरप्राइज है, और ये सरप्राइज ऐसा है कि आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहुत ज़बरदस्त गाते हैं। हम लोग खाना खाने के लिए आए दरअसल, तो खाना खाते हुए भी हम गुफ्तगू करेंगे, और खाने के बाद भी गुफ्तगू रहेगी, ठीक है ना? चलो मिलते हैं, ओके। और बोलने हम सोच ये रहा हूँ कि यार अल्लाह हमारी भी दुआ, और उनके कमरे के बाहर प्रोड्यूसर के भैया यूँ खड़े हैं हम लोग। अब देख रहे दवा खुले तो प्रोड्यूसर को बोले अस्सलाम वालेकुम। हाँ कोई बात तो वो क्या कह रहे हैं याद है रात वाली बात आए अपनी नहीं यार, मैं अभी खाना आपको पता ना कि मैं तो जॉब के लिए निकलता हूँ ना, तो ये मेरे जॉब का टाइम है, तो मैं जॉब के लिए निकलता हूँ, तो खाना खा के चाय वाय पी के फुल रच के कोई नहीं रोकता आप खुद के नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मोहब्बत है ना, आपकी मोहब्बतों में शुक्रिया है। खाने और खिलाने में मज़ा जो है, खिलाना जो है ना, ये अल्लाह की अदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे पाकिस्तान में जो है वो बगैर मेहमान के मैंने कभी खाना नहीं खाया, माशाल्लाह कभी भी नहीं। वाह ये बात, रात को 9 बजे घर में खाना लगना है और कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होता ही होता है। अदनान की क्या बात है भाई, अदनान साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी है अदनान। बात ये है, नहीं नहीं देखे बस यही बात, एक दो दिन में बंदा ज़्यादा टटोलना नहीं होता है, कितने देर चलेंगे भाई, बैठ के खाना खा लिया बस खत्म, बस पता चल जाता है बंदे का कि आंखों की रेज होती है कुछ। 4 घंटे के अंदर ऐसे मिल दिए हम बरसों से लगे। अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं तुम्हारे घर से 8 मिनट दूर हूँ, 8 मिनट पूरा बताओ। मुझे मालूम होता तो रात को मैं जॉब से आया था सीधा टकाटक आ जाता, नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के सीधा तुम्हारी तुम्हारे पास कूलिंग आया था। सॉफ्ट ड्रिंक बैठे आप बैठो, उठने मत यार भाई, ये अरे भाईजान भाई यार क्या सही है सही। उस दिन बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, मैं नहीं वहाँ से निकल सका, नहीं पहुँच सका, वो भी कुछ अल्लाह ताला की बेहतरी, और अब आज जो मिलना था देखे ना खाना, ये पेप्सी जीरो है। अच्छा बस आप यही ले दो, ठीक है आपको सोडा। आप तकल्लुफ कर रहे हो, अरे सलीम भाई मुझसे तकल्लुफ की आप जो है वो तवक्को रख सकते मैं मेरे को लगता है तुमने बड़े भाई के जान पहचान होगी। खाने पीने में तकल्लुफ नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ खाने पीने में तकल्लुफ नहीं करता हूँ, मगर खाने के ऊपर खाना वो जरा मुश्किल होता है। अति मजाक में मैंने कहा कि बेगम मारे जी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, आपको पता है मेरे घर में तो खाने के मामले में हमारे घर में हलीम नहारी पाए कुलचे सब घर में बन रहे हैं, एवरीथिंग क्या रह गया भैया, ये वही रह गया पेट ना तोड़ना। थैंक यू पेट ना तोड़ना, आप समझ तो गए होगे रात वाली कहानी आप रिपीट मार रहे हैं। उससे मुझे वो याद आ गया, वो रिश्ता मांगने गया बंदा ना, चौधरी साहब आपकी बच्ची का रिश्ता चाहिए, तो बंदे बुलाए बोलो मारो उसको, चौधरी के पास रिश्ता मांगना है, उसकी सही दुर्गंध बनाई, उसको अदबू कर दिया, लड़का था बोला उसको बाहर,
उसके जब जाने लगा थोड़ी दूर जाके पीछे मुड़ के चौधरी साहब बोलते तो चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा आए, 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 बोलता फिर मैं इनकार ही समझूं इतना मार मुड़ दिया उसको। उमर शरीफ और हम दोनों का एक कंबाइन हम लोग बड़ा बड़ा याराना रहा। मतलब पता है मुझसे तो बड़े थे उम्र में लेकिन मुझसे प्यार बहुत रहा। सबसे फर्स्ट टाइम लेके अमेरिका लाने वाले हैं उमर थैंक यू। हमारे साथ अदा करा गई और उनकी अम्मा भी आ गई अमेरिका शूट टूर पे। मैं अहमद जहाँजेब उमर शरीफ सारे लोग ना करना एडिट कर देना हाँ क्योंकि हम तो हराई बने पूरे हम तो कुछ और है। नहीं हमें हमें मालूम है कि क्या क्या ऑन एयर जाना चाहिए क्या नहीं जाना। क्या हुआ हुआ क्या अब मैं हम लोग अटलांटा जा रहे हैं। उमर भाई ये बैठे हुए मैं ये बैठा हूँ हम दोनों सो रहे हैं क्योंकि थके हुए दो तीन शो करके हम थके हुए। दूसरे स्टेट में भी उसी दिन शो था अटलांटा में तो उनकी अम्मा भी साथ थे। अब मैं और उमर भाई जब सो रहे थे तो एक लड़का था वो भी बाथरूम के लिए वेट कर रहा था वो भी मजर राई सिंगर वो ऐसे अब सलीम भाई अपना शाकिर भाई सुनना वो ऐसे करके उनको जगह देने के लिए ना मेरी सीट के अंदर घुसा है सलीम भाई तो घुसा तो मेरी आँख खुल गई मैंने अब उमर भाई ये बैठे कॉमेडियन है वो अंदर के मैंने ऐसे करके देखा तो उनके अम्मा टुक जा रहे हैं। मैंने नीचे से ऐसे करके देख के ना वो लड़का भी सीट उनको जगह देने के लिए यूँ हुआ। जब जितने टाइम लगा तो मैंने इतनी देर में उस लड़के को बोला मैंने कहा बेटा बुरी बात है बुजुर्गों के साथ ऐसा नहीं करता माफ़ी मांगो उसके मुंह पे जहाज में जमा पा रहा उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ मैंने कहा बुरी बात है बेटा सॉरी करें अब मैं भी उनसे क्या बचा रहा हूँ अम्मा जी हुआ क्या वो बता भी नहीं रही क्या उमर भाई नीचे गिरे थैंक यू। हां मुल्ला उमर की बात है हां आए हाय दिस टाइम आपसे दिया ले लिया बस भाई फिक्स कर दो रात को बोलेंगे। अच्छा भाई इनके साथ रहोगे तो नए से नया स्टाइल हर मिनट के बाद नया स्टाइल आएगा और रात कन्वर्सेशन होगी नो रिकॉर्ड लेकिन मजा है अच्छा है नहीं बड़ी चीजें निकलेंगी मजा आएगा नहीं मुझे पता है क्या क्या हो गया है हम लोग बनावट होगी सही बात है हमारे दोस्त कराची में कराची में दोस्त है बोलते हैं हमसे हम तो ऐसे ही है भाई हमसे दोस्ती रखनी है रखो नहीं तो अच्छा रफी भाई ये जरा और इफ यू केयर व्हाई यू वरी खाने की महफिल खत्म हुई अब महफिल कहीं और जाएगी 8 किलोमीटर पे नेक्स्ट में और भी आपको मजे मजे की बातें बताएंगे तो मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद।